हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ पीसी एजुकेशन। आई एम अमित अग्रवाल, वेलकम यू ऑल, ग्रीटिंग्स फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप जो पिछले दो वीडियोस हम लोग डिस्कस कर रहे थे वोकैबुलरी को लेकर के, आई होप आप लोगों को वो समझ आया होगा एंड व्हाट द कॉन्सेप्ट आई वांट टू गिव यू, आप डेफिनेटली उसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। सी, हम लोगों ने जो स्टार्टिंग किया था वो क्या बात पर किया था कि वोकैबुलरी को लर्न कैसे करना चाहिए, व्हाट इज द करेक्ट वे टू लर्न वोकैबुलरी। लुक, यूजुअली हम सब लोग वर्ड्स को मघप कर लेते हैं, है ना, लेकिन व्हाट डू वी नीड टू डू इज हमें वर्ड्स को मघप नहीं करना चाहिए। बहुत सिंपल सा केस है, मघप करने से आप लोगों को रिकॉलिंग प्रॉपर नहीं होगा, और इसी के लिए हमने क्या बात की थी कि हम लोगों को वर्ड को एसोसिएट करना है, मीन्स हमें उन्हें लिंक करना चाहिए, एंड फॉर दैट वी हैड सर्टन एग्जाम्पल्स फॉर दैट। और कल का जो पिछला स्लाइड था या पिछला वीडियोज जो हम बात कर रहे थे, वो वीडियो के अंदर हमने देखा था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसको लेकर के, वी वर डिस्कसिंग अबाउट BHP। हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसे, BHP को। ये BHP में लाया कहाँ से था, BHP जो है वो मैं लेकर के आया था आप लोगों के लिए मैट्रीमोनियल एड में से। जो मैट्रीमोनियल एड आते हैं, हमारे विज्ञापन आते हैं शादी के लिए, उन विज्ञापनों में तीन लेटर हमें दिया जाता है कि सेंड योर BHP। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया था बी जो स्टैंड कर रहा था किसके लिए, इट वॉज स्टैंडिंग फॉर बायोडेटा। अब देखो, मेरा जो मोटिव है, हम ये तीन लेटर से पूरा एक बुक को लर्न कर सकते हैं। वो बुक कौन सा है हम लोग का, जो मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे वर्ड्स जो है WPM मतलब वर्ड पावर मेड इजी बुक से ले रहा हूँ मैं, और आप इन तीन लेटर से एसोसिएट करके वो पूरा बुक को हम लर्न कर सकते हैं। हाउ, देखो पिछले क्लास में तुम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हो, जैसे बी स्टैंडिंग फॉर बायो, तो बायो जो था वो बन कहां से रहा था, बायोस, दैट वाज रूट, रूट फॉर व्हाट, रूट फॉर लाइफ। फिर आप लोगों ने इसमें क्या ऐड कर दिया, लॉगस जोड़ दिया था, जो रूट था किसके लिए, स्टडी और साइंस के लिए। ठीक है, फिर आप आए थे जोइन पर, जो रूट था किसके लिए, दैट वॉज फॉर एनिमल, और इसी से हम जूलॉजी बना रहे थे, जोडियक बना रहे थे, जूलॉजिकल पार्क बना रहे थे। फिर हम आए थे बोटेन, जो कि बॉटनी बना के हमको देता है, दैट इज यूज फॉर प्लांट, बॉटनिस्ट इसका नाउन बनेगा, वन हु स्टडीज बॉटनी ही इज बॉटनिस्ट, बॉटनिकल गार्डन जिसे हम कहें, जहाँ पर जाके हम चीज़ों को स्टडी करते हैं, प्लांट्स को स्टडी करते हैं, देखते हैं अलग अलग टाइप का लीव्स होता है, फ्लावर्स होते हैं, व्हाट आर दिस, हाउ दे ग्रो, दिस ऑल थिंग्स कैन बी लर्न इन व्हाट, बॉटनिकल गार्डन्स। तो हम बायो से यहाँ पर चल रहे थे, फिर आप बायो में आपने ऐड कर दिया था वर्ड ग्राफी, तो ग्राफी कहाँ से मिला था हम लोगों को, ग्राफियन, है ना, ग्राफी जो वर्ड है वो कहाँ से मिला था हम लोगों को, ग्राफियन, विच वॉज रूट, रूट फॉर वॉट, राइटिंग, राइट के लिए आप इसको यूज कर रहे थे। बायोग्राफी, बायो में ऐड कर दिया था हमने क्या, ऑटो, ऑटो वॉज स्टैंडिंग फॉर वॉट, सेल्फ, ऑटोबायोग्राफी, खुद के बारे में लिखना, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। ऑटो में स्टार्ट हमने ऐड कर दिया, मोबाइल, ऑटोमोबाइल, ऑटो स्टार्ट, सब ऑटो बन रहा था हमारा वर्ड। फिर आपको यहाँ पर ऑप्सिस एक वर्ड हमने दिया था, या ऑप्टिक कोर्स आप कह लीजिए, दैट वॉज फॉर व्यू, देखने के लिए। अगर हम बायो के साथ में ऑप्सिस को जोड़ रहे हैं और उसमें वाई सफिक्स लगा रहे थे नाउन बनाने के लिए, तो आपको क्या वर्ड मिला था, बायोप्सी। ठीक है, बायोप्सी मीन्स वर्ड लिविंग टिश्यूज को कट करके उसको एग्जामिन करना माइक्रोस्कोप के द्वारा, दैट इज वर्ड बायोप्सी। और इसी में हमने ऑटो कर दिया था, तो वर्ड बना था ऑटोप्सी, ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑप्सिस मतलब देखना, किसी भी कॉर्पस मीन्स जो डेड बॉडी होती है उसको सेल्फ एग्जामिन करना, जिसको पोस्टमार्टम कहते हैं, वो क्या था, ऑटोप्सी। ठीक है ना, तो एक बायो से ही आप चल रहे थे, अभी तक बी पर ही हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, और बायो डेटा से देखो वी हैड लर्न सो मेनी वर्ड्स। आज हम बात करते हैं किस पर, मैंने आपसे कहा था कि भाई ये मैट्रीमोनियल एड में से लेकर के आया हूं मैं, तो व्हाट इज मैट्रीमोनी, ये कहां से आया, शादी करते हैं तो शादी करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो किन का है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, शादी करेंगे तो आप क्या बन जाएंगे, हस्बैंड, और जो महिला होंगी वो क्या बनेंगी, वाइफ। तो लेट्स डिस्कस टुडे अबाउट दीज वर्ड्स, आज इनके बारे में बात करते हैं कि इन वर्ड को डिराइव कैसे किया है, कहां से आए हैं और इनसे क्या नए वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, चलो
लेट्स सी, सो द फर्स्ट वर्ड इन आवर लिस्ट टुडे इज मैट्रीमोनी. देखो मैट्रीमोनी वर्ड जो है दैट सिंपली मींस वर्ड मैरिज. आप इसका यूज करते हैं किसके लिए? मैरिज के लिए आप इसको यूज करते हो. ठीक है, मैट्रीमोनी इज अ वर्ड दैट इज यूज फॉर मैरिज. कैसे आया है ये मैरिज के लिए? देखो ये वर्ड आपका ऐड कर रहा है किसको? मोनी वर्ड को. मोनी इज अ सफिक्स, नाउन सफिक्स है ये, दैट सिंपली मीन्स वॉट स्टेट कंडीशन और रिजल्ट के लिए आप इसका यूज करते हो. ठीक है, और दूसरा वर्ड जो इसमें हमें मिल रहा है वो क्या है? मैटर और मैट्रेस, जो कि यूज होता है किसके लिए? मदर के लिए. दैट इज अ लेटिन लैंग्वेज वर्ड. अब मैरिज को मदर से ही रिलेट क्यों किया है? इसको फादर से भी रिलेट कर सकते थे, लेकिन मैरिज को जो नाम दिया गया मैट्रिमोनी क्यों दिया गया? देखो इसके पीछे एक लॉजिक रहा है कि मैरिजेस एंड गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड गोज हैंड इन हैंड. ठीक है, कि शादी जब करता था व्यक्ति, शादी होने के तुरंत बाद में जो महिला होती थी वो क्या बनती थी? मदर, माँ बनती थी. Nowadays the scenario has been changed, but earlier it was a rule. Before marriage, अगर कोई महिला माँ बनती थी तो today also we do not find it or consider it right. और पहले भी ये तो बहुत ज़्यादा आपराधिक श्रेणी के अंदर आता था, उसको disdain किया जाता था. तो क्या था? मैरिज और मदर दोनों क्या था? हैंड इन हैंड चलता था, और इसीलिए मैरिज को रिलेट किया गया किससे? मदर से. और यहाँ मैटर जो रूट है उसको इस्तेमाल किया, और जो मोनी वर्ड है ये सफिक्स है जो स्टेट को और कंडीशन को या रिजल्ट को दिखाता है. जैसे आप इससे एक और वर्ड बना सकते हो, जैसे हम कहें पारसी मोनी. पारसी मोनी मीन्स वॉट? जो स्टिंजीनेस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, या माइजरी के लिए इस्तेमाल हो सकता है. स्टिंजीनेस, माइजरी के लिए पारसी मोनी. हिंदी में जब आप बात करते हैं देन दिस वर्ड इज कॉल्ड वॉट? कंजूसी. ठीक है, सो मोनी एक स्टेट को बताने वाला सफिक्स है, एंड इट इज मेकिंग गिविंग अस नाउन सफिक्स. वो आपको नाउन सफिक्स बना के दे रहा है. तो मैटर और मोनी दोनों को ऐड कर दिया, मैट्रीमोनी बना. मैट्रीमोनी स्टैंडिंग फॉर मैरिज. क्लियर? देखो अगला वर्ड क्या आता है. मैटर से ही हम कुछ वर्ड बनाते हैं. मैटर से बनाया हमने मैटरनिटी. मैटरनिटी इज स्टैंडिंग फॉर वर्ड मदरहुड. वेन एवर यू आर गोइंग इन टू हॉस्पिटल यू ऑलवेज सी देयर मैटरनिटी वार्ड, और उसमें हम किन्हें रखते हैं? स्पेशली ओनली फॉर दोज फीमेल्स हु हैज जस्ट गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड. मैटरनिटी वार्ड में उन्हीं को रखा जाता है, महिलाओं को जो अभी अभी क्या बनी है? मदर बनी है, और वो उन्हीं के लिए रखा गया एक एक वार्ड होता है. तो वो मैटरनिटी कहाँ से आ रहा है? मैटर वर्ड से आ रहा है. मैटर का मतलब है मदर. मैटर से ही बनाते हैं हम क्या? मैटरनल एडजेक्टिव बन गया मदरली. आप देखिए मैटर से ही आप वर्ड बनाते हो. क्या बनाते हो? मैटरनल अंकल. मैटरनल अंकल मतलब क्या हो गया? अंकल जो मदर का साइड का हो, दैट इज मामा. मैटरनल अगर आप इसको कर देंगे मैटरनल आंट. मैटरनल आंट विल बिकम व्हाट? योर मौसी, योर मामी, ये सभी जो है मैटरनल आंट बन जाएंगे. मैटरनल होम क्या बन जाएगा? आपका नानी का घर बन जाएगा. मैटरनल फादर, मैटरनल मदर, सब क्या बन जाएंगे? नाना और नानी. क्यों मैटरनल वर्ड को यूज कर रहे हो? बिकॉज फादर इज अ कॉमन वर्ड. ठीक है, आपने इसमें एडजेक्टिव लगा दिया क्या? मैटरनल. तो फादर के लिए एडजेक्टिव बन गया. मैटरनल मीन्स फ्रॉम मदर साइड, एंड इन हिंदी वी यूज टू गिव देम नाना. ठीक है, सो मैटरनल इज एन एडजेक्टिव वर्ड दैट सिंपली स्टैंडिंग फॉर मदरली. देखो अगला वर्ड क्या है? मैटरन. मैटरन तो आपने सुना ही होगा. मैटरन वर्ड हम बहुत जगह पर यूज करते हैं. आप जहां हॉस्टल में रहते हैं तो वहां जो वार्डन होती हैं, जो मदर लाइक होती हैं, मैच्योर हैं, उन्हें भी क्या कहा जाता है? वार्डन. अगर फीमेल है तो क्या कह देते हैं हम उसे? मैटरन भी उसे कहा जाता है. आपको याद हो मूवी आई थी बहुत पहले, द नेम ऑफ द मूवी वॉज मुन्ना भाई MBBS. उसके अंदर भी मैटरन रहती, राइट, जो एक ओल्ड लेडी रहती हैं. शी वॉज मैच्योर इनफ एंड शी यूज टू वेयर स्पैक, और वो जो रहते हैं उसके अंदर डॉक्टर साहब, वो उसको क्या आवाज लगाते हैं? मैटरन. तुम भी मैटरन. मैटरन इज स्टैंडिंग फॉर वॉट? वन सफिशियंटली मैच्योर टू बी अ मदर, एन ओल्ड वुमेन. ठीक है, जो मैच्योर हो चुकी है एक माँ बनने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? मैटरन. या एक ओल्डर वुमन को भी आप ये वर्ड कह सकते हो.
देखो मैटरन बहुत सिंसियरली इस्तेमाल करना चाहिए। आप किसी भी महिला को मैटरन कह देंगे ना, इसका मतलब वो क्या हो गई है, वो बूढ़ी तरह से दिखनी है, वो मैच्योर हो चुकी है। और कई बार अगर महिला झगड़ालू किस्म की हो, अगर झगड़ालू मीन्स वरागो किस्म की महिला होगी, टर्माजेंट होगी, तो हो सकता है आपकी लड़ाई हो जाए उससे। जैसे आजकल आप किसी महिला को बोल दो आंटी, जरा हटना, तो तुरंत क्या कहे, आंटी बोल रहे हो मेरे को, राइट? द सेम थिंग, आंटी जैसा ही कंसिडर किया जाता है क्या वर्ड, मैटरन, राइट? सो मैटरन को आप ध्यान से इस्तेमाल करें। इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? वन सफिशियंटली मैच्योर टू बी ए मदर, उस महिला के लिए, या आप दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में कह लीजिए, एन ओल्ड वुमन के लिए आप इस शब्द को इस्तेमाल करते हो। एल्मा मैटर, एल्मा मैटर इट्स व्हाट, सोल मदर। एक्चुअली आप जो भी स्कूल और कॉलेज से आपने अपना ग्रेजुएशन किया, पास आउट हुए हैं, वो स्कूल या कॉलेज आपका क्या कहलाता है? एल्मा मैटर कहलाता है। अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज योर एल्मा मैटर, इंटेलेक्चुअल मदर, एल्मा मैटर मींस इंटेलेक्चुअल मदर। इंटेलेक्ट आपको कहां से मिलता है? फ्रॉम योर कॉलेज, फ्रॉम योर स्कूल, वन इज बीइंग और वन इज गेटिंग इंटेलेक्ट इन हिज और हिम, हर, ठीक है? आपको इंटेलेक्ट, आपको बौद्धिक स्तर कहां से डेवलप होता है? आपका स्कूल और कॉलेज से। और इसीलिए ये वर्ड बना है एल्मा मैटर, मैटर माँ, एल्मा स्टैंडिंग फॉर सोल, सोल मदर, जो आपकी आत्मा वाली मम्मी है। मतलब एग्जैक्टली शी इज नॉट योर मदर, बट शी हैज गिवन यू सेंसेस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, दे हैव गिवन यू इंटेलेक्ट, दे हैव मेक यू इंटेलेक्चुअल, वो क्या कहलाते हैं? एल्मा मैटर। सो एल्मा मैटर जो शब्द है दोस्तों, इसको आप यूज कर सकते हो फॉर द रेफरेंस ऑफ स्कूल और फॉर द रेफरेंस ऑफ कॉलेज, जहां से भी आपने ग्रेजुएशन किया है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर एल्मा मैटर, इसका मतलब आपकी स्कूल का नाम क्या है, दैट इज आई एम आस्किंग यू, ठीक है? फिर देखते हैं मैट्रियार्क, मैट्रियार्क, आर्क, ये वर्ड आता है रूल करने से, आर्कियन है ना, रूल करने से रिलेट करता है ये। और मैटर मीन्स व्हाट, आप देख ही रहे हो, मैटर मीन्स व्हाट, मदर। सो मैट्रियार्क इट्स व्हाट, द मदर रूलर, ठीक है? मैट्रियार्क इट्स व्हाट, द मदर रूलर, और मदर पर्सन दैट कंट्रोल्स अ लार्ज हाउस होल्ड, ट्राइब और कंट्री, दैट इज मैट्रियार्क। जैसे टेक एन एग्जाम्पल, इंग्लैंड, इंग्लैंड में क्या है, कौन वहां पर रूल कर रहा है? क्वीन। कौन वहां पर रूल कर रहा है? क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वहां पर रूल कर रही है। और पहले भी कौन थी? क्वीन थी, एलिजाबेथ वन भी थी, विक्टोरिया भी थी। तो ब्रिटेन क्या था? मैट्रियार्कन, एडजेक्टिव करो तो मैट्रियार्कन कंट्री था। और मैट्रियार्क आप कर दीजिए तो मदर रूल्ड हो जाएगा वो, ठीक है? बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं, बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी होती हैं जहां पर जो मदर लाइक हैं वो वहां पर रूल करें। जैसे हमारे राजस्थान में जब हम बात करें, अर्लियर वी हैड आर सीएम, द फॉर्मर सीएम वसुंधरा राजे, तो राजस्थान क्या था? मैट्रियार्कन था, वो रूल किया जा रहा था एक मदर के द्वारा। द एंटायर राजस्थान वॉज किड फॉर द चाइल्ड फॉर हर। जैसे पूरा ब्रिटेन जो है, पूरा इंग्लैंड जो है, वो क्या है, एक बच्चा है किसके लिए? उस क्वीन के लिए। आज हम हमारी बात करें, हमारे देश में प्रतिभा पाटिल जब हमारी प्रेसिडेंट रही थी, तो प्रतिभा पाटिल जब हमारी प्रेसिडेंट थी तो हमारी कंट्री क्या हो गई थी? मैट्रियार्क। अभी क्या है? पैट्रियार्क, मतलब हेड ऑफ दैट, हेड जो पूरे देश को, पूरे हाउसहोल्ड को, पूरी ट्राइब को एज अ चाइल्ड ट्रीट करता है, ही बिकम द हेड ऑफ द फैमिली, तो वो पैट्रियार्कन हो जाएगा। और मैट्री मदर कर रही है तो मैट्रियार्कन हो जाएगा, ठीक है? सो मदर रूलर, मदर रूलर का मतलब ये नहीं कि जो कोई मम्मी है वो रूल करे, इट्स नॉट सो। व्हाट डज इट मीन, एक ऐसी लेडी वहां रूल कर रही है जो मदर लाइक है, और उसके लिए पूरा जिसको भी वो रूल कर रही है, चाहे ट्राइब है, हाउस होल्ड है, या कंट्री है, वो उसके लिए एक एक, एक बच्चा है, उसके लिए एक चाइल्ड है, तो वो मैट्रियार्क रूल कहलाता है, ठीक है? एंड व्हाट विल बी द नाउन ऑफ दिस वर्ड इज मैट्रियार्की, दैट इज नाउन, देयर इज मैट्रियार्की इन इंग्लैंड, ठीक है? ऐसा यूज होगा, देयर इज, यू नीड टू नो हाउ टू यूज दीज वर्ड्स, हाँ, कि आप लोग जो, देयर इज मैट्रियार्की इन इंग्लैंड, ये आपको याद होना चाहिए। अब मैट्रियार्क, मैट्रियार्कन, ए एन मैं लगा दूं इसमें तो वो क्या बन जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है? क्लियर? तो ये सारा वर्ड जो आप देख रहे हो स्लाइड के ऊपर, ये सब कहाँ से डेराइव हो रहा है फ्रेंड्स? मैटर, मैट्रेस, दोनों ही लेटिन वर्ड हैं जो यूज हो रहे हैं किसके लिए? मदर के लिए आपने यूज किया है। तो जब कभी मदर दिखेंगी, मदर से मैटर शब्द दिखेगा।
मैट्रिमोनी, अब न्यूज़पेपर में देखो, वेबसाइट में देखो, मैट्रिमोनी का स्प्लिट करने पर याद आएगा, मैटर और मोनी, मोनी स्टैंडिंग फॉर स्टेट कंडीशन और रिजल्ट। हॉस्पिटल में जाए जैसे ही देखेगा मैटरनिटी याद आ जाएगा, मैटरनिटी कहाँ से बनाया, मैटर वर्ड से लिया है, नाना नानी मामा मामी के लिए यूज कर देंगे मैटरनल, मैट्रन, अगर आप हॉस्टल में रहे हैं तो मैट्रन। एल्मा मेटर में बी अ डिफरेंट वर्ड फॉर यू, बट यू नीड टू नो वट इज योर एल्मा मेटर, वट इज योर लास्ट स्कूल दैट हैड दैट यू हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम, दैट इज एल्मा मेटर। मैट्रियार्क इंग्लैंड एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था इसके लिए, मैट्रियार्क मीन्स होता है रूल्ड बाई अ मदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं, वॉट इट सेज मैट्रिसाइट, अगेन अ वर्ड फ्रॉम मैटर, मैट्रिसाइट, मैट्रिसाइट इज वॉट द किलिंग ऑफ वंस मदर, किसी की मम्मी की हत्या, किसी की माँ की हत्या यदि वो स्वयं कर देता है तो वो मैट्रिसाइट कहलाता है। कैसे बना है, मैटर आपने देख ही लिया यहाँ पर, मैटर ठीक है, प्लस मैंने यहाँ पर क्या दे दिया है, साइट, राइट। ये एक एज अ सफिक्स यूज हो रहा है और इसका मीनिंग जो है वो क्या है, किलिंग के लिए आता है। ये वर्ब जो है इसकी वो क्या है, सेडोविक, टू किल, ठीक है, और इसी से बनाया हमने साइड, एक सफिक्स यूज कर लिया है, दैट इज ये एक वर्ब है, सेडो इज अ वर्ब और साइड जो है वो एक सफिक्स बना के हमने यूज किया है, और दैट हैज बीन एडेड टू व्हाट वर्ड, मैटर, मैटर साइड आपने कर दिया तो वर्ड बना मैटरी साइड। साइड मीन्स व्हाट, इट मीन्स किलिंग, किलिंग समबडी, दैट इज साइड। आपने वर्ड सुना ही होगा ना, सुसाइड, अ वेरी कॉमन वर्ड, इट्स व्हाट, आई एम सॉरी, ठीक है, द कॉमन वर्ड इज व्हाट, सुसाइड, एवरीबडी नोज दिस वर्ड सुसाइड, व्हाट इज सुसाइड, इज किलिंग वन सेल्फ। भाई यहां से जो वर्ड आपको मिल रहा है ना, दिस इज साइड, ये तो ये रहा, व्हाट लेफ्ट, सू, इट इज व्हाट, दिस सू मींस वन सेल्फ, स्वयं के लिए आप लगाते हैं सुई, ठीक है, एस यू आई, सुई मींस व्हाट, वन सेल्फ, एंड सुइसाइड मींस व्हाट, किलिंग वन सेल्फ, खुद को मार देना, दैट इज सुइसाइड। सो हु डज सुइसाइड, इज द कावर्ड वंस, जो कावर्ड होते हैं, डरपोक किस्म के लोग होते हैं, दे कमिट सुसाइड बिकॉज इट इज नॉट एन एक्ट ऑफ ब्रेव पीपल, जो ब्रेव हैं ये उन लोगों का काम नहीं है, सुसाइड करने वाले लोग आर द मोस्ट कावर्ड पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है, वो सबसे कावर्ड लोग होते हैं दुनिया के अंदर। पैट्रिसाइड, जैसा मैट्रिसाइड आपने वर्ड पढ़ा है, इसी तरह से हम चलें किस पर, पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड इज वर्ड, किलिंग ऑफ वंस फादर, कहाँ से आया, पैटर, पैटर और पैट्रिस इज द रूट, इज द रूट फॉर व्हाट, इट्स फॉर फादर, पैटर और पैट्रिस कुछ भी कहिए, ये रूट है किसके लिए, ये रूट है फादर के लिए, मतलब पापा, फादर को हम आम लैंग्वेज में फादर कहते हैं, जैसे हिंदी में आप उसे पिता कहिए, लेकिन इसका जो रूट वर्ड है वो कहाँ से आ रहा है, पितृ, दैट इज अ संस्कृत वर्ड, ठीक है, इन द सेम वे फादर इज अ वर्ड दैट इज यूज इन कम्युनिकेशन, मगर फादर से वर्ड डिराइव करने हैं आप लोगों को, तो डेरिवेशन कहां से बनेगा, पैटर और पैट्रेस से आप उसको बना के दोगे, तो पैटर प्लस साइड बिकम्स पैट्रिसाइड, दैट किलिंग ऑफ वंस फादर। अब देखो पैटर से कुछ वर्ड बना ले, पैटर के पहले देख लेते हैं फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, फ्रेटरी क्या है, देखो फ्रेटर और फ्रेटरिस ये स्टैंड करता है किसके लिए, ब्रदर के लिए, भाई, भाई को हम लोग क्या कहते हैं, भाई को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेटर और फ्रेटरिस कहेंगे, जैसा पैटर फादर के लिए था, मैटर मदर के लिए था, फ्रेटर और फ्रेटरिस ब्रदर के लिए यूज किया जाता है, तो फ्रेटरीसाइड इज द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, किसी के भाई की हत्या यदि वो कर देता है तो वो क्या कहलाता है, फ्रेटरीसाइड कहलाता है। यू कैन फाइंड सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, फ्रेटरीसाइड इन आर हिस्ट्री, हमारा हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो कोई राजा ऐसा भी था जिसने अपने फादर को किल कर दिया था ताकि वो राजा बन सके, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स वी कैन सी इन टूडेज लाइफ ऑल्सो, अ ब्रदर किल्ड हिज ब्रदर फॉर सेक ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर सेक ऑफ लव, फॉर सेक ऑफ एनीथिंग, दैट इज व्हाट, पैट्रिसाइड, सॉरी फ्रेटरीसाइड, वो क्या बन जाएगा, फ्रेटरीसाइड बनेगा, कहां से आया, फ्रेटर फ्रेटरेस, इट्स यूज फॉर ब्रदर। फिर देखो बहन की कोई हत्या कर दे, सिस्टर, सिस्टर की अगर कोई हत्या कर दे तो उसे कहेंगे सॉररीसाइड, कहां से आया, द वर्ड इज सॉरर, सॉरर इज स्टैंडिंग फॉर सिस्टर, सिस्टर के लिए आपने एक वर्ड और पढ़ा था दोस्तों जो हमने एसोसिएट किया था, क्या था, सिनिस्टर, आज फिर तुम क्या पढ़ रहे हो, सॉरर, सॉरर, हालांकि हॉरर का स्पेलिंग में एक आर और लग जाता है, लेकिन हॉरर, सॉरर, तो जितनी भी सिस्टर है रियली दे आर डेंजरस, दे आर हॉरर,
ठीक है, उनसे बहुत डर लगता है, आई हैव ग्रेट फियर ऑफ माई सिस्टर, क्योंकि वो सारे राज जो है वो बता देती हैं, और अदरवाइज दे विल आस्क यू टू डू समथिंग, भैया ये कर दो नहीं तो, राइट, आई हैव टू किड्स, माई डॉटर एंड माई सन, सो माई डॉटर इज यंग, बट वॉट शी डज, भैया बता दे नहीं तो पापा को कंप्लेन कर दूंगी, भैया ये दे दे नहीं तो पापा को कंप्लेन कर दूंगी, तो शी इज वॉट, शी इज सिनिस्टर फॉर माई ब्रदर, शी इज रियली, और राइट, तो सॉरर और सिस्टर, सॉरर से ही आपने क्या लिया, सॉररी साइड, किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, होमिसाइड, होमी, होमो, ये वर्ड बन रहा है होमो, होमो इज स्टैंडिंग फॉर पर्सन, होमिसाइड इज वर्ड, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंटेंशनली जब आप किसी को कर देते हो ना, तो दैट इज वर्ड होमिसाइड कहलाता है वो, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को मार देना वो क्या कहलाएगा, होमिसाइड कहलाता है। फिर देखिए अगला, रेजिसाइड, रेजी ये वर्ड आया है आपका कहाँ से, रेक्स या रेजिस, दैट इज अ लेटिन वर्ड दैट मीन्स वर्ड किंग, राजा, प्रेसिडेंट और द गवर्निंग ऑफिशियल, उसे हम कहेंगे रेजिसाइड, ठीक है, किलिंग ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल और प्रेसिडेंट, इट्स वर्ड रेजिसाइड, जैसे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, दे वर्ड नो, उनको क्या किया था, उनके किलिंग को हम क्या कहेंगे, रेजिसाइड, उनके किलिंग को नाम दिया जाएगा, बिकॉज दे वर द प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है, और उन लोगों को मारा गया था, तो वो रेजिसाइड कहलाता है। उक्सोरी साइड, याद रखिएगा, उक्सोरी साइड, द किलिंग ऑफ वंस वाइफ, कोई अगर अपनी पत्नी की हत्या कर दे, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है बेचारा, क्या करेगा, सो इफ समबडी इज किलिंग वंस वाइफ, इट्स वर्ड उक्सोरी साइड, हाउ, बिकॉज उक्सोर इज स्टैंडिंग फॉर वर्ड, स्टैंडिंग फॉर वाइफ, उक्सोर इज अ लेटिन वर्ड दैट इज फॉर वाइफ, जैसा पत्नी के लिए शब्द है तो पति को भी मार देती है वो क्या होता है, मैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, ठीक है, मैरिटिसाइड, सॉरी मैरिटिसाइड, मैरिटिसाइड कहाँ से आ रहा है, इट इज फ्रॉम मैरिटस, मैरिटस फॉर हस्बैंड, पति के लिए मैरिटस रूट दिया है, पत्नी के लिए उक्सोर आपको रूट गिवन है, उक्सोर शब्द दिया है, और ये देख रहे हो आप, पेटो, मेटो, सॉरर, फ्रेटो, ठीक है, राजेज या रैक्स कह लीजिए, उक्सोर, मैरिटस, सभी में साइड आप ऐड कर रहे हो, किलिंग आ रहा है, तो दैट सिंपली मींस कहीं पर भी साइड आएगा किलिंग से ही रिलेट कर रहा है। इन्फेंटिसाइड, यू नो दिस वर्ड वेरी वेल, इन्फेंटिसाइड, इट हैज हैपनिंग बिकॉज देर आर मेनी पीपल हु आर लुकिंग और दे आर डिजायरिंग फॉर अ बेबी बॉय, बट एज द गर्ल चाइल्ड बर्थ्स, और तो वो उसको मार देते हैं, वो क्या कहलाता है, इन्फेंटिसाइड कहलाता है, जन्म लेने के बाद, याद रखिए, देर आर टू थिंग्स, फेटिसाइड और इन्फेंटिसाइड, फेटस, फेटस यू नो ना, फेटस जो भ्रूण है, जो अभी वॉम्ब में ही है, गर्भ में ही है, उसे माँ ही वहीं मार दिया जाए, उसे बाहर नहीं आने दिया जाए, जन्म लेने दिया जाए, तो वो फैटिसाइड, फैटस से बनता है, और बच्चे ने जन्म ले लिया, और जन्म लेने के बाद अगर उसकी किलिंग होती है न्यू बॉर्न चाइल्ड की, दैट इज इन्फेंटिसाइड, सो देर आर डिफरेंसेज, माइंड दीज डिफरेंसेज, इन्फेंटिसाइड इज डिफरेंट एंड फैटिसाइड इज डिफरेंट, फैटस से बना है, दैट इज फॉर भ्रूण, बॉम्ब में रहता है, एम्ब्रियो भी हम उसे कहते हैं, और ये इन्फेंटिसाइड, जो इन्फेंट है, जस्ट बॉर्न है, वो इन्फेंटिसाइड कहलाएगा, ठीक है, तो जब किसी नवजात की हत्या की जाती है, दैट इज इन्फेंटिसाइड, और भ्रूण की हत्या की जाती है, दैट इज फेटिसाइड, ये वर्ड कहां से आया है, तो इन्फेंस या इन्फेंटिस से वर्ड लिया है, जिसका मीनिंग होता है बेबी, इट्स नॉट दैट बेबी दैट यू कॉल, इट्स फॉर इन्फेंट, जेनोसाइड, किलिंग ऑफ अ होल रेस और नेशन, पूरी किसी एक जाति की हत्या कर देना, पूरे राष्ट्र को नष्ट कर देना, क्या कहलाता है, जेनोसाइड कहलाता है, कि ठीक है, कहां से आया, जेनोस दैट इज वर्ड रेस और अ काइंड, एक प्रजाति के लिए आप इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड को, जेनोस को। पैरिसाइड, देखिए मदर के लिए था मैट्रिसाइड, फादर के लिए था पैट्रिसाइड, और उन दोनों में से किसी एक को मार दिया जाए या दोनों पेरेंट्स को मार दिया जाए, तो उसके लिए कॉमन वर्ड क्या दिया गया है, पैरिसाइड, किलिंग ऑफ आइदर और बोथ पेरेंट्स, ठीक है, दोनों में से एक को मार दिया जाए या दोनों को अगर मार दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, पैरिसाइड, उसे हम कहते हैं। पैटर से वर्ड देखें दोस्तों, वर्ड इज हियर पैट्रिमनी, पैट्रिमनी इज वर्ड इनहेरिटेंस फ्रॉम वंस फादर, देखो यहाँ जो शब्द मोनी आ रहा है ये डिफरेंट है मैट्रीमोनी से, वहां मोनी का मतलब स्टेट से था, कंडीशन से था,
और यहां मौनी जो है वो लिया है हमने कहां से, जूनो मोनेटा, इट्स द रोमन गॉडेस हु गार्ड द टेंपल्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो रोमन गॉडेस है, जैसे आप NIKE नाम सुना होगा आप लोगों ने, नाइकी, ये भी एक रोमन गॉडेस है, किसके लिए, विक्टोरी के लिए। तो नाइकी जो शूज का नेम दिया ना, ब्रांड दिया ना, उसका मीनिंग क्या है, विक्टोरी है, क्योंकि इट इज द नेम ऑफ गॉडेस, जो विक्ट्री की, जीत की देवी है, उनका नाम है नाइकी। ऐसा ही ये जो मौनी वर्ड है ये कहाँ से मिला है, जूनो मोनेटा से, और ये जो है ये रोमन गॉडेस है। तो यहाँ पर जो शब्द मौनी है वो किसको रिलेट कर रहा है, फ्रेंड्स, मनी को रिलेट कर रहा है, ठीक है। इसीलिए पैट्रीमोनी क्या होता है, जो इनहेरिटेंस मिल रहा है, पैतृक मिल रहा है, जो पैसा मिल रहा है हमको फादर की साइड से, वो पैट्रीमोनी कहलाती है। पैट्रीमोनियल, दैट विल बी एन एडजेक्टिव, दैट इज आर पैट्रीमोनियल हाउस, दैट इज माई पैट्रीमोनियल बिजनेस, दैट इज फ्रॉम फादर साइड, इफ आई एम इनहेरिटिंग एनी थिंग दैट इज पैट्रीमोनियल, पैट्रीमोनी, पैट्रोनिमिक, द वर्ड इज पैट्रोनिमिक। जैसे आपने सुना हो एंडरसन, जॉनसन, तो ऐसा नेम जो फादर के नाम पर फॉर्म किया गया है, जैसे आदित्यानंद, तो उसके फादर का नाम आनंद हो गया, इसका आदित्य रखा, तो आदित्यानंद, सत्यानंद, आनंद जो है अगर उसके फादर का नाम है, तो ऐसा नेम जो फॉर्म किया गया है किसके नाम पर, फादर के नाम पर, उसको हम क्या कहते हैं, पैट्रोनिमिक कहते हैं। एंडरसन, जॉनसन, ठीक है, जॉनसन, जॉन का सन, राइट, दैट इज एंडरसन, एंडर का सन, इस तरह से, तो दैट इज पैट्रोनिमिक। ये कहां से आया है, दिस हैज कम फ्रॉम ओनिमा, ओनिमा इज अ ग्रीक वर्ड यूज फॉर अ नेम, नाम के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ओनिमा। इसमें एक प्रीफिक्स लगा दिया जाए, सिन, सिन इज यूज फॉर विद और टुगेदर, आप लोगों ने सुना ही होगा, सेनर्जी सुना है, सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, या दैट इज एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस यू आर टॉकिंग अबाउट। फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटो इज स्टैंडिंग फॉर व्हाट, इट इज फॉर लाइट। फोटो किसके लिए होता है, लाइट के लिए, पिछला स्लाइड में हम डिस्कस किए थे इसको स्लाइड लिया, फोटो किसके लिए था, लाइट के लिए। सिन मींस व्हाट, टुगेदर, ठीक है। सो प्लांट्स में जो केमिकल है और सन, आपको जो एनर्जी मिल रहा है सन से, उन दोनों को मिला करके वो क्या करते हैं, लाइट और केमिकल को मिला के क्या करते हैं, वो फूड बनाते हैं, इसलिए उसको फोटो सिन, सिन बोले तो विद और टुगेदर, सिनर्जी, सिन, सिंक्रोनाइज, कहीं पर भी जाओ, सिन वर्ड जो है ना, SYN, ये हमेशा तुम्हें क्या बताएगा, टुगेदर के लिए। आप अपने मोबाइल के डेटा को ईमेल का डेटा के साथ सिंक्रोनाइज करते हो, व्हाट्सएप सिंक्रोनाइज हो रहा है, मींस जहां पर भी वो सर्वर पर पड़ा है और आपका मोबाइल, दोनों को क्या कर रहा है, टुगेदर लेकर के आ रहा है, कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा है, दैट इज व्हाट सिन इज। मैं सिन के साथ ऑनम को जोड़ू तो बहुत कॉमन वर्ड मिल रहा है, दैट यू नो सिनोनिम, अ वर्ड ऑफ द सेम नेम और मीनिंग, कुछ भी कह लीजिए, हिंदी यू नो वेरी वेल ऑफ दिस वर्ड इज पर्यायवाची, क्लियर, सिनोनिम। तो बना कहां से सिनोनिम, ये याद रखना है, सिन दैट मींस विद और टुगेदर, कहीं पर भी सिन आएगा वो विद और टुगेदर को आपको दिखाएगा, ठीक है। और ऑनिम शब्द कहीं पर भी आ जाओ, ये रिलेट करेगा किसको, नेम को, सिनोनिम में ले लो, प्रीफिक्स एंटी लगा दिया अगेंस्ट, तो क्या बन जाएगा, एंटोनिम बन जाएगा, एंटोनिम इट्स वर्ड अगेंस्ट, तो ये क्या होते हैं, ऑपोजिट इन मीनिंग वर्ड्स, दैट इज एंटोनिम। लाइफ, डेथ, एंटोनिम हो गया, डेथ, डिमाइस, सिनोनिम हो गया, सेम मीनिंग रख रहा है। इसी तरह से आगे चलें तो होमोस, इट इज वर्ड द सेम, होमो इट्स फॉर पीपल एंड होमोज इज फॉर सेम, राइट। सो होमोनिम और रादर होमोनिम वी कैन से देम होमोफोन, क्योंकि इनका साउंड सेम होता है, स्पेलिंग अलग हो सकता है। जैसे इफ आई टेक इन एग्जाम्पल BEAR और BARE, दैट इज ऑल्सो बेयर एंड दैट इज ऑल्सो बेयर, ठीक है, ये इन द डिफरेंस, स्पेलिंग दोनों का अलग अलग है मगर दोनों का साउंड जो है वो क्या है, सेम है, तो बेयर और बेयर, राइट। बेयर बोले तो भालू हो गया, बेयर बोले तो टॉलरेट हो गया, और ये बेयर नेकेड हो गया, अनक्लोथ्ड के लिए हो गया, ठीक है, दैट इज बेयर, बेयर। तो साउंड दोनों का सेम है, स्पेलिंग अलग हो सकता है। सो अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक अनदर बट हैज अ डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग, मीनिंग भी अलग है, स्पेलिंग भी अलग है। तो होमोनिम को हम और अच्छे से कहें तो क्या कह देंगे, होमोफोन, बिकॉज फोन किसके लिए आता है, इट इज फॉर साउंड, साउंड के लिए आता है, देख ही रहे हैं आप, फोन इज फॉर साउंड। फिर
फिर पैटर पर आते हैं वापिस, तो पैटर्निटी, इट्स फॉर अ फादरहुड, जैसे मैटर्निटी था वैसे ही पैटर्निटी, ITY लगा दिया अपने, ITY, फैटर्निटी, पैटर्निटी, पैटर्नल, इट्स फॉर फादरली, जैसे मैटर्नल आंट, मैटर्नल अंकल, वैसे ही पैटर्नल, तो पैटर्नल सारे साइड के क्या हो जाएंगे आपके, चाचा हो गए, दादा हो गए, राइट, पैटर्नल फादर, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल प्रॉपर्टी, आप कुछ भी दे सकते हैं वहाँ पर, पैटर्नल बिजनेस, जैसे मैट्रियार्क था वैसे ही पैट्रियार्क हो गया आपका, एन ओल्ड मैन इन रूलिंग, फादर लाइक पोजिशन, लाइक आर PM राइट नाउ हु कंसिडर्ड द एंटायर कंट्री एज हिज चाइल्ड, ठीक है, उसका बच्चे की तरह उसको ट्रीट करता है, तो पैट्रियार्क हो गया वो हमारे लिए। पैट्रियार्क में आर्क वर्ड कहाँ से आ रहे गाइज, आर्कियन, दैट इज अ ग्रीक वर्ड दैट इज स्टैंडिंग फॉर टू रूल, शासन करना, टू रूल, दैट इज आर्कियन। पैटर्न, जैसे मैटर्न था वैसे ही पैटर्न, द प्रोपराइटर ऑफ एन इन भी कहते हैं, स्पॉन्सर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और रेगुलर कस्टमर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पैटर्न, पैट्रोनेज, ठीक है ना, तो पैटर्न इट्स वॉट, इफ यू आर अ रेगुलर कस्टमर ऑफ एनी प्लेस, यूजुअली हम बात करें, जैसे अगर आप गोल्ड बाय करते हैं तो यूजुअली गोल्ड के लिए हम हमारी एक ऐसी शॉप पर ही जाते हैं जहाँ हमारे पेरेंट्स जाया करते थे या उन्होंने वहाँ पर फेथ बना रखा है, तो और फिर हम वहीं ऊपर जा रहे हैं, तो हम वहाँ के क्या हो जाएंगे, पैट्रन कहलाएंगे। किसी धर्मशाला का यदि कोई, धर्मशाला का यदि कोई प्रोपराइटर है, तो वो पूरी धर्मशाला इन जो है, होटल जो है, उसके लिए एक फादर बन जाता है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, पैट्रन कहते हैं, जैसे हॉस्टल के लिए वार्डन और मैट्रन थी ना, उस तरह से अगर आप किसी प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो भी आप क्या बन गए, उसके पैट्रन बन गए, बिकॉज यू विल बी लाइक अ फादर जो उसको स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है। सो पैट्रन, आप अगर रेगुलर कस्टमर हैं, आप किसी प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहे हैं या प्रोपराइटर ऑफ एनी इन है, तो भी आप क्या हैं, पैट्रन है। फिर आता है फ्रेटर, फ्रेटर इज यूज फॉर ब्रदर, भाई के लिए था, तो फ्रेटरनाइज, टू हैव ब्रदरली रिलेशनशिप्स, भाई जैसा व्यवहार होना, इट्स व्हाट अ फ्रेटरनाइज, वर्ब कर दिया ये, इट इज अ वर्ब, ठीक है। और फ्रेटर से फ्रेटरनल, तो ब्रदरली बन गया, एडजेक्टिव कर दिया आपने। फ्रेटर्निटी, अ वेरी कॉमन वर्ड दैट वी यूजुअली सी, वी यूजुअली हियर, इट्स व्हाट अ फ्रेटर्निटी। कोई भी सेम प्रोफेशन या इंटरेस्ट का जो ग्रुप है, उसको हम फ्रेटर्निटी कहते हैं। जैसे फिल्म फ्रेटर्निटी, आप सुनेंगे ये वर्ड बहुत कॉमन है, कहाँ पर कॉमन है, जब अवार्ड शो होते हैं तो हम कहते हैं ना, आई वुड लाइक टू थैंक्स टू द एंटायर फिल्म फ्रेटर्निटी, मतलब फिल्म फ्रेटर्निटी मतलब फिल्म से संबंधित जो ग्रुप है उसमें जितने भी लोग हैं जो मेरे भाई सम्मान हैं, उन सबको मैं थैंक करता हूँ, दैट इज फ्रेटर्निटी, ठीक है। इफ़ आई एम इन द इंडस्ट्री ऑफ टीचिंग, तो व्हाट आई विल से, एजुकेशन फ्रेटर्निटी, ऐसी फ्रेटर्निटी जो एजुकेशन देती है वो क्या कहलाएगी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। सोरर वॉज स्टैंडिंग फॉर सिस्टर, सोरोरिटी, एनी वुमेन सोशल क्लब, इट्स सोरोरिटी, फ्रेटर्निटी था जैसे ग्रुप के लिए, वैसे ही फीमेल का ग्रुप होगा तो सोरोरिटी, जहां पर जैसे भाईचारा है वैसे अगर बहन चारा हो तो वो क्या है, सोरोरिटी। उक्सोरियस, वाह, व्हाट अ वर्ड, इट्स यूज्ड फॉर अ पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड अपनी वाइफ से, डोमिनेटर रहता है, वो कहती है यहाँ बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाएगा। जैसे आप हिंदी में, हमें एक मूवी आया था इफ़ यू रिमेम्बर, जोरू का गुलाम, दैट इज व्हाट उक्सोरियस, अनदर फ्रेज फॉर दैट इज हैंडपेक्ड हस्बैंड, हैंडपेक्ड हस्बैंड मीन्स जोरू का गुलाम, हु इज इन्फ्लुएंस्ड हाईली विद हिज वाइफ, ठीक है, उसके बिना कुछ भी नहीं करता है। जैसे मम्माज बॉय होता है वैसे ही वाइव्स बॉय कह दीजिए, वो क्या होता है, उक्सोरियस आप उसे कहेंगे, क्योंकि आ रहा है कहां से, उक्सोर, उक्सोर इज फॉर वाइफ, और उक्सोरियल इट्स व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइफ या वाइफ लाइक, पत्नी जैसा, पत्नी की तरह, उक्सोरियल। मैरिटस वर्ड कहां से लाए हम, मैरिटस इज फॉर हस्बैंड, हस्बैंड के लिए था, मैरिटल अगर आप बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हस्बैंड, जैसे उक्सोरियल था वैसे ही मैरिटल हो गया, पति की तरह। एक्स्ट्रा मैरिटल, देखो अभी एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मीन्स आउट, एक्स मीन्स व्हाट, आउट, आउटसाइड ऑफ मैरिज, तो आउटसाइड मैरिटल, हमने इसीलिए रिलेट किया था मैरिटल, मैरिटल इट्स वर्ड, वैसे तो मैरिटल केवल हस्बैंड के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, वर्ड मैरिटस से लिया गया है, सॉरी, ठीक है, वर्ड मैरिटस से लिया गया है, जो किसके लिए है, हस्बैंड के लिए है, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने इस मैरिटस वर्ड मैरिटल को क्या कर दिया, मैरिज से रिलेट करने लगे हम लोग, क्यों करने लगी, क्योंकि अर्लियर जो था एंशियंट टाइम में, जब अंग्रेजी हमारा डेवलप हो रहा था, लैंग्वेज डेवलप हो रहा था, एट दैट टाइम जो हस्बैंड लोग हुआ करते थे, वो मैरिड होने के बावजूद किसी
अन्य महिला से बाहर जो थे संबंध रखा करते थे। संबंध का मतलब इट्स नॉट लेस लाइक अ फ्रेंड, दे यूज टू हैव इंटरकोर्स विद देम, दे वर इन सेक्सुअल रिलेशनशिप विद देम। तो ज़्यादातर हस्बैंड्स का जो था वो शादी के बाहर ऐसा रिलेशन हुआ करता था, और इसलिए मैरिटल वर्ड को मैरिज से कंसिडर करके एक्स्ट्रा लगा दिया, तो एक्स्ट्रा मैरिटल मीन्स आउटसाइड द मैरिज हो गया, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिसे हम कहते हैं। अब ये कॉमन हो गया मैरिज के लिए, तो इट कैन बी यूज फॉर आइदर मेल और फीमेल, इसी के लिए भी आप यूज कर सकते हो। अर्लियर इट वॉज यूज फॉर बिकॉज ऑफ मैन, ये मैरिज के लिए इस्तेमाल किया गया, बट नाउडेज इट इज यूज कॉमनली फॉर आइदर मैन और वुमन। तो किसी भी महिला या पुरुष का यदि शादीशुदा जीवन में अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और से संबंध रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। एक्स्ट्रा एक्स आउट, आउट से बना है, मैरिटल मैरिज से, और इस एक्स्ट्रा में यदि प्री लगा दिया तो प्री किसके लिए आ रहा है, प्री स्टैंडिंग फॉर बिफोर। आप कहीं पर भी चले जाइए वर्ड प्री आता है, जैसे प्री लंच तो लंच से पहले, आप कहते हैं कई बार पोस्ट लंच तो लंच के बाद, पोस्ट स्टैंडिंग फॉर बाद, बीस आफ्टर, प्री स्टैंडिंग फॉर वर्ड बिफोर। ठीक है, सो प्री मैरिटल मतलब शादी से पहले, इवेंट्स दैट अकर्स बिफोर अ प्लान्ड मैरिज। एग्जाम्पल मुझे देना पड़ेगा आप लोगों को इसका, प्री मैरिटल, जैसे प्री मैरिटल सेक्स, देर आर सो मैनी एक्ट्रेसेस इन आर बॉलीवुड, दे गॉट प्रेग्नेंट बिफोर देयर मैरिज, तो वो क्या था, उनका प्री मैरिटल इशू हो गया था। ठीक है, ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस रहती है जिनके प्री मैरिटल इशू हो जाता है। इशू, इशू बोले तो बच्चा, इशू का मतलब मामला भी होता है, इशू मतलब बच्चा भी होता है। प्री मैरिटल इशू, प्री मैरिटल एग्रीमेंट, बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है शादी से पहले ही वो लोग क्या कर देते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। मुस्लिम्स जो होते हैं, मुस्लिम लॉ के अंदर जब उनकी शादी होती है तो बिफोर मैरिज दे डिसाइड व्हाट अ मेहर, दे गेट एन एग्रीमेंट कि इफ यू डिवोर्स दैट वुमन आपको इतना पैसा उसको देना पड़ेगा, जिसको उर्दू में मेहर कहा जाता है, इंग्लिश में हम चले जाते हैं तो उसको हम एलिमनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम एलिमनी, मनी स्टैंडिंग फॉर अगेन पैसा, सो एलिमनी उसको हम कहते हैं। ठीक है ना, सो एलिमनी इट्स व्हाट, एक ऐसा पैसा जो कि आप दे रहे हो किसी महिला को डिवोर्स के टाइम पर एज अ कॉम्पनसेशन। सो मुस्लिम लॉ के अनुसार वो शादी के टाइम पर ही डिसाइड हो जाता है, तो वो क्या है, प्री मैरिटल एग्रीमेंट हो गया कि भाई अगर आप डिवोर्स करते हो तो आपको ये प्रॉपर्टी, इतना सब कुछ मेरे को देना रहेगा, दैट इज प्री मैरिटल। सो प्री मैरिटल इट्स व्हाट, प्री बिफोर मैरिटल मैरिज, बिफोर मैरिज कोई भी इवेंट हुआ है दैट इज प्री मैरिटल। ओके, आजकल चल रहा है जैसे तुम्हारा एक बहुत ही कॉमन सा चीज, प्री वेडिंग। प्री वेडिंग क्या, शादी से पहले ही जाके आप शूट करा दे तो प्री वेडिंग शूट उसे आप कहते हैं, अगेन प्री, इसको हम वेडिंग के बजाय प्री मैरिटल शूट भी तो कह सकते हैं, मैरिट इज फॉर मैरिज, तो प्री मैरिटल शूट, करेक्ट। ओके गाइस, सो ये थे आज के मेरे सारे शब्द आपके लिए, याद रखिएगा हमने डिस्कस किया है मदर, मैटर, पैटर, फादर, फ्रेटर, ब्रदर, सोरर, सिस्टर, उक्सोर, वाइफ, और मैरिटस, हस्बैंड। याद रखिए, इनसे सारा रिलेट कर दिया मैंने आज आपका शब्दों को, कल देखते हैं, अगली क्लास में देखते हैं और कैसे हम शादी में होने वाली घटनाओं, जो बीएचपी चल रहा है भी, हमारा बी पर हम बात कर रहे हैं, उसमें और कौन से वर्ड कनेक्ट किए जा सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, लर्न करिए, रिकॉल करिए, कोई डाउट रहता है प्लीज प्लेटफॉर्म पर पूछ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी, थैंक यू।